LNJP हॉस्पिटल में MD खुद बिका हुआ है, जो उसको जानते हैं, जो उसको कॉल करते हैं, उन पेशेंट को एक कॉल में वो अंदर ले लेता है, बाकियों को बाहर ही मरने के लिए छोड़ देता है। सुबह कॉल करके बोला कि पूरी रात यहाँ पर किसी ने मेरे को कुछ नहीं किया, और मैंने डॉक्टर को जब कॉल की, हेल्पलाइन में कॉल किया, तो वो बोलते कि पूरी रात ऑक्सीजन दिए, यानी कि पेशेंट उस कंडीशन में भी झूठ बोलेगा कि मेरे को पूरी रात ऑक्सीजन नहीं मिला है। वहाँ का एक MD आया, बोलता इतनी दिक्कत है तो ले जाओ इसको, सिर्फ इसलिए ना क्योंकि मैं उस MD को नहीं जानती थी। और उनको सुबह बोला कि कोविड है जी, हम छूने नहीं देंगे, बॉडी को हम लेने जा रहे थे कि बॉडी हमें दे दो, हम घर ले जाएंगे, वहाँ पे हमने दाह संस्कार करेंगे, बॉडी को लाने नहीं दिया उन्होंने। बोला कोविड है, दूर से दिखाए बस चीरकार के, हाँ जी ये है, और बॉडी एम्बुलेंस में डाल दिया और लेके यहाँ पे खड़ा कर दिया जी, सीधा डायरेक्ट जाएगा, ये कोविड है। ठीक है जी, और यहाँ हमने अभी रिपोर्ट पढ़ा है, उसके अंदर तो नॉन कोविड हार्ट अटैक का लिखा हुआ, कोई भी पढ़ सकता है इसमें, हमने यहाँ पर्चा पढ़ा है, नॉन कोविड दिखा रहा है, और उसको कोविड बता के हमें छूने तक नहीं दिया बॉडी को, ये धांधली हो रही है यहाँ पे। इन्होंने ये कहा कि इनको कोरोना नहीं है, फटाफट ले लिया था इन्होंने। बहुत अच्छा, आपको यहाँ बताया गया कि कोरोना नहीं है? कोरोना नहीं है, मुझे बताया जी इन्होंने 4-5 बार कहा। हमारी लड़की बिल्कुल नेगेटिव थी, वो बिल्कुल परफेक्ट थी, बोल रही थी हमसे, सारी बात कर रही थी, खा रही थी, पी रही थी, मगर इन्होंने पता नहीं क्या करा, सुबह आते ही हमारे वो कह दिया, उसकी डेथ हो गई। जब हमारे को पहले हॉस्पिटल में था, वहाँ पे भी वो हुआ था, उनकी रिपोर्ट हुई कोरोना रिपोर्ट, वहाँ पे नेगेटिव थी वो। अब फिर नेगेटिव होने के बाद यहाँ रेफर करवाया उन्हें, यहाँ पे आने के बाद वो उनकी कोरोना जांच हुई तो यहाँ पे भी नेगेटिव बता दिया, और अब डेथ हो गई है, सुबह डेथ हुई थी, अभी तक बॉडी नहीं मिली है, तो अभी बोल रहे पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव। ये दोनों पिछले 3-4 रातों से सोए नहीं है, रातों से परेशान है, ये भागे फिर रहे हैं, चार हॉस्पिटलों में दिखा लिया, उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने रात में एडमिट कर लिया, इन्होंने बोला कि कोरोना नहीं है लड़की को, इन्होंने एडमिट कर लिया, उसके बाद में इन्होंने रात में ट्रीटमेंट किस तरह से कराया, ना तो किसी ने मिलने दिया है, किसी को इनको भी मिलने नहीं दिया। अब सुबह 11 बजे के बाद में ये बोलते हैं 12 बजे के आसपास कि तुम्हारी लड़की डेथ हो गई है उसकी। हमने कहा डेथ हो गई है तो कोई बात नहीं, अब जैसे भी है, ऊपर वाली की मर्जी थी, हमें बॉडी दे दो। कहते हैं आप जाओ सब ग्रह पर, सब ग्रह पर आते हैं तो ये कहते हैं कि आप वापसी वहाँ पर जाओ जहाँ पर एडमिट हुई थी। अब वहाँ से बोलते हैं कि आप यहाँ जाओ, डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा जब ही बॉडी देंगे आपको। मतलब आपके साथ ये खेल खेला जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स का खेल खेला जा रहा है। एमरजेंसी तक तो अपने पैरों पे चल के जाता है, बट ICU में जाने के बाद उसको अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि वो डायरेक्ट उसको कोविड बता देते, एक्सपायर हो जाता है। सारे बेड बिके हुए हैं, 50-50 हज़ार रुपये ले रहे हैं, 20-20 हज़ार रुपये में बेड बिके हुए हैं। जो पैसा देता है उसके पेशेंट को देखा जाता है, पूरे शिफ्ट वाइज पैसा देते हैं ये उनको, अपने कॉन्टैक्ट निकाल के, सिर्फ वो लोग जिंदा जाते हैं। मतलब अगर आपका सोर्स है तो आप जिंदा घर जाओगे, अदरवाइज आप बॉडी ही लेकर जाओगे, जो कि हम लेकर आए हैं क्योंकि हमारा कोई सोर्स नहीं था। वहाँ हॉस्पिटल में हमारे को बताया गया आपका पेशेंट कोविड की वजह से मर चुका है, और मिलने नहीं दिया गया, छूने नहीं दिया गया, एम्बुलेंस के थ्रू यहाँ भेजा गया, किसी को मिलने नहीं दिया गया, और यहाँ पर जो पर्चा है उसमें ये बताया गया है कि पेशेंट नॉन कोविड है, LNJP हॉस्पिटल दिल्ली।